ये सारा स्नैक्स इनके फूफा ने देकर भेजा है कल। पहले मैं ये सारी रूम क्लीन कर दूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी दूसरे कामों के लिए। अपने कपड़े कुम करिए, असीम जाइए, छोड़िए वो स्नैक्स बॉक्स, वही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। असीम को सिर्फ स्नैक्स की पड़ी है अभी। ये देखिए सब मुझे उठाकर सेटल डाउन करना पड़ेगा अभी। ये रहा, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हवा आती है मुझे यहाँ से। देखिए चलिए शुरुआत करती हूँ फिर। अभी तो मुझे पहले ब्रेकफास्ट बनाना है बच्चों के लिए, उसी के बाद ही कोई आगे का काम मैं शुरू करूँगी। इस तरफ देखो, गुड बॉय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हमारी डेली रूटीन की शुरुआत स्टार्ट हो गई है, स्टे ट्यून्ड। क्या बेटा? वो ऑन है। बेटा ऑन है क्यों राजा? नहीं होता तुम ना वहां देखने। इतनी बड़ी बनाओ फिर कौन खाएगा इसको? डैडी। बाप रे, कैसे खाएंगे? और दांत ही टूट जाएंगे ना बच्चों, आप लोगों के दांत टूट जाएंगे अगर मैंने इतनी बड़ी सी रोटियां बना दी। नहीं नहीं नहीं, हम इसके पीसेस करेंगे अभी। हेलो डार्लिंग, आ आ कौन सा सॉन्ग है ना? ओ ओ डार्लिंग, ओ ओ ओ। आप बना लेते हैं हम जल्दी से इसके पेड़े। बहुत जल्दी में गंदा हो गया। बहुत जल्दी में गंदा हो गया। ये देखो यो टो डो 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 हेलो असीम, ओ ओ ओ फिर से बत्ता बड़ा करना, वही सच बहुत बड़ा। अच्छा इंशाअल्लाह देखेंगे हम कुछ कर पाते हैं आगे के नहीं। इसमें एडजस्ट कर देंगे इसको। अभी रख दिया है मैंने अपना दवा, ये लो। अरे 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 खराब कर दोगे मियाँ। असीम जी हमारी रोटी आप खराब कर देंगे जी, वो बन जाएगा एशिया का नक्शा। हमें चाहिए गोल गोल राउंड 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 रोटी। आपको स्क्वायर चाहिए? जा बाबा आज राउंड खा लो ना, कल स्क्वायर बना कर दूंगे। आज स्क्वायर चाहिए, इतना बड़ा बका डालो। ठीक है चलो बन इतना बड़ा। ओके ओके ओके, एज योर विश डार्लिंग आसिम जी। चिक 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 चिक
हम कहाँ बैठ गए हैं और मेरी रोटी खराब करने में इनका पूरा पूरा हाथ है। देखिए तो मेरी रोटी पूरी से खराब ना कर दे। यू शुड नॉट पुट योर होल वेट ऑन दैट सीम, रोटी खराब हो जाएगी। काश बच्चों में बड़े होने के बाद भी यही चलाई है तरह, क्योंकि इनके डैडी कुछ भी काम नहीं करते हैं घर का। एटलीस्ट मेरे बच्चों को मैं अच्छे से सिखा दूंगी ताकि उनके आगे वाइफ की हेल्प हो जाए। अरे हो हैदराबाद में शिफ्ट हो गए और पता है आपको इनके हजरत ने इनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा है, वो उनके फूफी के घर भी पहुंच गए फोन करके, उनके एड्रेस पे आए और वहां भी इनको पढ़ा कर गए हैं। कल इनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं हजरत, सिर्फ संडे और फ्राइडे दो दिन इनकी छुट्टी होती है। रेडी हो गई रोटी, लो आसिम की। चलिए अब आसिम की रोटी बनाएंगे। आ जाओ इस तरफ आ जाओ। अब छोड़ो, बस बस ये खराब कर दी, बस बस ये देखो माशाल्लाह नॉट बैड। आसिम ने कितने अच्छे गोल गोल सी रोटी बेली है। आप ले लग जा बेटा, जैम खाएंगे रोटी और जैम खाएंगे ब्रेकफास्ट। ये खाने वाले हैं रोटी जैम के साथ और ये देखिए आसिम की बनाई हुई रोटी। माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी मेरे बच्चे ने बेली है। कम ऑन गर्ल्स गेट अप, हूएवर नॉट एबल टू बेल द रोटी इन दिस राउंड शेप, आसिम हैज डन दिस। ये ले वो छोटी रोटी मेरी अंकल, फिर से मैं यहाँ है अभी तक, वो छोटी वो तुम्हारी दूसरी वाली। टेक द स्पून आइस, टेक द स्पून एंड टेक जैम, गो सून। ये देखिए आसिम की है ये स्क्वायर वाली रोटी, छोटी रोटी चाहिए उसको। ये देखे नंबर वन फाइटर। हाँ तुम्हें भी बना कर दूंगी एक, वो छोटी को मैंने स्क्वायर बना दिया, आपने ही बोला ना तभी मुझे स्क्वायर चाहिए। छोटी स्क्वायर में आई बहुत मोटी हो जाएगी रोटी। छोड़ो देन गिव इट टू आइस, ये आइस को दे देंगे तुम्हारे लिए, छोटी दूसरी रोटी बना लेंगे। छोड़ो यहाँ बच्चे तंग करके देखिए, ये तो मुझे मार रहे हैं। आइस हो गई एक्सचेंज आइस के लिए। आसिम को चाहिए बहुत छोटी सी रोटी, स्क्वायर वाली। आयस तुम्हारी मिल गई नहीं, चलो यहाँ से भागो, दफा हो इधर से, बहुत हो गया तुम्हारा सताना। चॉकलेट होना तो उधर से लेके जाओ, चुप के क्यों हो यहाँ से बड़े। चलो बहुत किरकिर हो गई तुम्हारी, पड़ेगी मार अब। बस भाई थी ये रही आसिम की रोटी। बाद में इतनी बड़ी हो गई, छोटे पहले छोटे खाना से बाद में बड़ी हो गई। ये रही आसिम की छोटी छोटी प्यारी प्यारी ननी मुन्नी सी ये क्रिस्पी रोटी।
बर्तन सारे निकल गए हैं, फिर मुझे क्लीन अप करना है। इसको मैं लगा देती हूँ इस तरह जहाँ से मैंने निकाला था, और अब इस आटे को रख दूँगी मैं फ्रिज में, स्टोर कर दूँगी। और यहाँ पर मेरे चाय बन रही है, मल्टीटास्किंग हो रहा है सारे काम साज। अभी तक रोटी मुंह में ही आसी, जल्दी खाओ। सारे क्लिप्स यहाँ पे पड़े हैं, सभी एक एक करके मुझे सारा सेटल डाउन करना है। ब्रेकफास्ट का तो सारा काम हो गया है, उसके बाद मैं निकली हूँ क्लीनिंग के लिए। पहले तो मैं सारे कपड़े फोल्डिंग कर दूँगी। कपड़े जाने में सब सूख गए, इन सबको सेटल डाउन कर दूँगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। आफ्टर नमाज के बाद मैं दूसरा काम शुरू करूँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है, आज बहुत लेट हो गया सारा काम। हो गए मेरे सारे कपड़े फोल्डिंग्स, अभी इनको रख दूंगी मैं उनके प्लेस पर। चलिए कितना सारा कचरा निकला है आज भी। अच्छा, ये सब मुझे सारा सेटल डाउन करना है, सब क्लीन करना है। स्वाइपिंग शुरू हो गई है अभी। और ये देखिए, कुछ जूस दिया था मुझे कल मेरे ब्रदर इन लॉ ने, इसका नाम आया है हाना, बोल रहे थे बहुत अच्छा है। एवरी टाइम ही विल गिव मी समथिंग न्यू। लास्ट टाइम मुझे पहले भी कोई पान ला के देते थे, वो बहुत अच्छा रहता था, टेस्टी कहीं का फेमस पान। और इस बार ये जूस मुझे ट्राई करने के लिए कहा कि पी कर देखो आप, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम मोस्टली कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट करके देखो। टेस्ट किया मैंने सिर्फ थोड़ा ही, कल रात में ही ज़बरदस्ती किया उन्होंने, तो थोड़ा ही पिया था, अभी ट्राई करके देखोगी। बाहर थोड़ा मॉबिंग कर लूँगी, सारा काम खत्म होगा इधर का मॉबिंग का। थोड़ा मैं इधर भी कर दूंगी, सारा मॉबिंग है ना, स्वाइपिंग खत्म हो गया। चलो लगा देती हूँ ये मैट। ये देखिए मेरा सारा रूम क्लीन हो गया अच्छे से। आसिम खेलते हुए, सारी
सारे कपड़े भी मेरे, सबसे बड़ी मुझे टेंशन रहती है कपड़ों की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते वो कपड़े, इधर रखे हैं उधर रखे हैं रस्सी पर टंगे हैं। जल्द से जल्द सबसे पहले मैंने वही काम ख़त्म किया, आज मैंने सारे कपड़े अंदर रख दिए, स्वाइपिंग वाइपिंग भी हो गई, सारा बाहर भी अच्छे से क्लीन हो गया है। चलिए मैं अभी लॉक लगा देती हूँ, देखिए सारा घर सिमट गया है, बेडरूम भी हमारी क्लीन हो गई है, अभी देखिए किचन भी सारा स्वाइपिंग और वाइपिंग हो गया है अच्छे से, मेरा यूटिलिटी कॉर्नर भी सारा सेटल डाउन हो गया, पहले कितना गंदा लग रहा था ना, बाप रे अभी हो गया। अब बचा है किचन की तरफ, देखिए सारी चीज़ें सेटल डाउन करनी है, सब लास्ट ऑफ क्लीन क्लीन करना है। आप चाहे डेली कितना भी क्लीन कर लो, ये सब चीज़ें तो गंदी हो ही जाती है ना। जब तक मुझे मेरा किचन साफ नहीं रहता, रेस्टो साफ नहीं रहता, मुझे फिर कोई दूसरी डिश बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहता। सबसे पहले मुझे मेरा किचन एकदम से क्लीन चाहिए। सो इस तरफ का कॉर्नर सारा क्लीन हो गया, अभी आगे बढ़ती हूँ मैं मेरे बर्तनों की तरफ। उसके पहले मैं क्या करूँगी, अभी जाऊँगी ज़ुहर की नमाज़ अदा कर दूँगी, आकर फिर बर्तन कंटिन्यू करूँगी। चलिए बैठती हूँ फिर नमाज के बाद।
ईगल इज आसिम की फ्रेंड। ये लो वन आईफोन लो, आईफोन वन प्लस लो, और कौन सा सैमसंग लो, वीवो लो, और कौन सा फ्लिप लो, और कौन सा फ्लिप फोन होना। सो ये लो कितने चाहिए आपको, कितने चाहिए। चलो अभी पी लेते हैं थोड़ा सा फ्रेश ड्रिंक और लेते करते हैं फिर से अपना काम शुरू विथ न्यू एनर्जी के साथ। ये आपने मुझे दिया था ना ड्रिंक्स, ये दोनों भी लगे हुए हैं, थोड़ा 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 करके चढ़ा रहे हैं सारा वाटर। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी धूप निकली है, हल्की हल्की सी धूप, अराउंड 5 o'clock, क्योंकि आज बैंगलोर का मौसम तो इतना ठंडा और सर्द था, उसमें छोटी सी हल्की हल्की सी धूप निकली है, अभी जाने ही वाली है। मॉर्निंग स्नैक्स के लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी और ब्रेड, थोड़ा सा मैं रोस्ट कर रही हूँ, और इसको चाहिए थोड़ी सी प्लेन ब्रेड। तो चलिए चलते हैं रोस्ट करते हैं। एक टोस्ट, नो एक टोस्ट ओनली टोस्ट ब्रेड। इतनी प्यारी सी कॉफ़ी, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ठंड में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। चाय नहीं पीनी है मुझे तो आज, चाय से तंग आ गई हूँ। चलिए कॉफ़ी पी लेते हैं आज, बहुत मज़े की कॉफ़ी है माशाल्लाह। ब्रेड टोस्ट, ब्रेड और कॉफी प्लस थोड़ी सी स्नैक पार्टी। फिर चाय के बाद असर किया और मगरिब की नमाज़ भी हो गई थी, हमारा डिनर भी रेडी हो चुका था,
तो हमने डिनर भी कर लिया, शाम के बर्तन भी साफ़ हो गए, तो आज के दिन की सारी रूटीन यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।